निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें आ गई एक दिक्कत। हम आपका देवेन सिंह। तो ये विकास जी हैं, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल ट्रैवल विद विश पे। और इस बार जो है राइड की शुरुआत करी है मैंने घर से निकलकर, और मेरे साथ में है इस बार मेरा यार पीयूष। और सो पीयूष और मैं जो है हम दोनों जा रहे हैं राइड पे राजस्थान के लिए। तो पीयूष और मैं हम दोनों जा रहे हैं राइड पे राजस्थान की सरजमीं पर। और मैंने सोचा यार कि बहुत टाइम हो गया है आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया नहीं हूँ, तो क्यों ना कुछ आप लोगों के लिए नया कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो आज चीज़ करनी है वो इंदौर टू उदयपुर की रहेगी, और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो है आज का 400 किलोमीटर। अब ये 400 किलोमीटर कितने मज़ेदार होते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं आज के अपने सफ़र पर। सो शुरू करते हैं, बड़ों को नमस्ते, छोटों के सी और साथ वालों को टाइट वाली झप्पी। तो जी बने रहिएगा हमारे इस राजस्थान के राजशाही सफ़र। जो आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो है ये रोड को इस तरह से ब्लॉक कर रखा है, तो ये यहाँ पर नया मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आ रहा है दोस्तों। और ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है जो कि एयरपोर्ट से होता हुआ जाएगा विजयनगर की तरफ। निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें आ गई एक दिक्कत, क्योंकि ये पीयूष की फर्स्ट राइड है और उसका कैमरे के साथ भी फर्स्ट अभी पहला प्यार है, तो थोड़ा सा इनकी नोकझोंक चल रही है कैमरे और इसको लेके। इसका कैमरा कभी रूट जा रहा है तो कैमरे को मना रहा है, अब इसके कैमरे को मनाते हैं पहले इसे हाथ पाथ जोड़ के कि हे प्रभु कैमरा देव मान जाओ, क्यों पहली राइड में ऐसी की तैसी करवा रहे हो, है ना। तो मिलते हैं आपसे ज़रा इसका एक बार कैमरे को ठीक करते। यहाँ पे हो गया है एक्सीडेंट बहुत ही शानदार वाला जानदार वाला, और जिसकी वजह से लग गया है यहाँ पे जाम। ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आगे जो है रोड का काम चल रहा है और उस वजह से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ का जो ट्रैफिक है ये वाला ये पूरा ज़्यादा है इस वाली रोड पे, तो उसकी वजह से आमने सामने वाली गाड़ियाँ जो है वो टकरा गई थी, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया था। सो क्रिकेट खेला करता था विनोद कामली और हम पहुँच चुके हैं नामली। सो रास्ता जो है थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं हम, 25% कवर कर चुके हैं, 75% रास्ता अभी बाकी है। अभी हमने सर्च किया तो यहाँ से उदयपुर दिखा रहा है 4 घंटा 50 मिनट, मतलब 5 घंटा दिखा रहा है, तो 1-1.5 घंटा तो आप आगे पीछे आपके भाई ब्रेक भी तो लेंगे, है ना, मशीन तो है नहीं कि सीधे चले जाएंगे। और ये फ़िलहाल हमने लिया है माँ सागर रेस्टोरेंट नामली में ब्रेक, क्योंकि करनी थी मुँह दिखाई, इस वीडियो में मुँह दिखाई नहीं कर पाए थे ना हम, अभी तक आपने हमारा चेहरा देखा ही नहीं था, सिर्फ हम रोड ही रोड दिखा रहे थे और बोलते ही जा रहे थे। तो क्या हम खा रहे समोसे, और ये है पीयूष जिसको आपने देखा होगा मेरी पहली वाली राइड पे भी, हम दोनों राइड साथ में करी थी, कौन सी वाली, स्वच्छता सर्वेक्षण में जब पंच लगाया था इंदौर ने वो वाली। तो फिलहाल तो रास्ते बहुत अच्छे हैं और हमने बाईपास ही लिया है, रतलाम क्रॉस कर चुके हैं, नामली पहुंच चुके हैं, और बस यहाँ से कुछ खाते हैं, एक एक समोसा, ज़्यादा भूख नहीं है, आगे रुकेंगे अच्छी जगह, थोड़ा थोड़ा पर तबीयत से अच्छा वाला खाना खाएंगे। तो खाते हैं और फिर लेके चलते हैं आपको। और अभी तक तो मौसम काफ़ी अच्छा है पर गर्मी धीरे धीरे बढ़नी चालू हो गई है, तो बस यही है यार, गर्मी फाड़ वाली ना हो, नहीं तो हमारी फट जानी है। तो खाते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों बादशाह का एक गाना आया था बावरा, और फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं जावरा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद नामली से हम लोग निकल पड़े थे और जावरा पहुँच गए हैं। रास्ते अच्छे हैं, बीच बीच में कहीं पैच वर्क चल रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और बस इंजॉय करते हुए चल रहे हैं अपनी इस जर्नी को। गर्मी का आलम ऐसा है कि फ़िलहाल तक तो अभी तक गर्मी ने दस्तक नहीं दी है। तो ये भैया जो हमें मिले हैं बहुत ही शानदार, जोरदार, शानदार, ज़बरदस्त, क्या नाम है आपका? देवेन सिंह। देवेन सिंह जी, और एकदम प्योरिटी के साथ पेट्रोल भरते हैं ये विदाउट एनी ट्रबल एंड मच मच वी आर क्रॉसिंग नीमच। तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप नीमच चले जाएंगे, पर हमें जाना है आप सीधा निम्बाड़ा की तरफ, और निम्बाड़ा से हम मुड़ेंगे उदयपुर के लिए। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है बाईपास, ये डायरेक्ट जा रहा है चित्तौड़ अजमेर, और हमने यहाँ से नीचे लिया है, यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट उदयपुर के लिए। तो
ये जो रास्ता है यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हम उदयपुर पहुँच जाएंगे, और उदयपुर यहाँ से 105 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चित्तौड़ के लिए सीधा वाला रास्ता है, और ये रहा उदयपुर यहाँ से 104 किलोमीटर। तो निम्बाहेड़ा क्रॉस कर चुके हैं, और अब यहाँ से कुछ शायद 90 या 85 किलोमीटर और रह गया उदयपुर। फ़िलहाल एक सावरिया सेठ होटल पर रुके हैं क्विक वाटर एंड लू ब्रेक के लिए, क्योंकि खाना वाना अभी हम खा नहीं रहे, थोड़ा आगे जाके देखते हैं थोड़ा अच्छा कुछ, थोड़ी सी भूख भी लग जाए। इसको तो लग रही है भूख, मुझे तो लग रही है, पर हमने सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कुछ अच्छी जगह। ड्यू दिला दी, बोले ये ले रहे अभी तो। तो फिलहाल मैंने कहा माउंटेन ड्यू पियो, क्योंकि चीता भी पीता है। अभी चीता बन के दौड़ेंगे हम लोग। सो निम्बाहेड़ा क्रॉस तो कर दिया, पर निम्बाहेड़ा क्रॉस करने के बाद जो सड़क है ना वो टू लेन है यार, मतलब सिंगल लेन है, और पूरा गांव वाला एरिया है, और डिवाइडर इतने ऊंचे ऊंचे बना रखे हैं ना कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को, और कहीं भी गड्ढे आ जा रहे हैं। हाँ, वैसे निम्बाहेड़ा जब मैं क्रॉस कर रहा था तो मेरे दिमाग में ना वो बाहुबली मूवी का वो विलेन आ गया था, निम्बाहेड़ा हमने क्रॉस किया। सो माउंटेन ड्यू पीते हंसते गाते आगे चलते हैं। तो ये वो हाईवे है जो हमें लेना है, और इस हाईवे को लेके हम उदयपुर जाएंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं राइट और जॉइन करते हैं इस हाईवे को। बड़ी खुशी, इतनी खुशी मुझे, कितनी खुशी, बहुत खुशी। ये हाईवे देख के, चौड़ी चौड़ी सड़कें देख के तो दिल खुश खुश हो, गार्डन गार्डन हो गया। तो लिया है अभी लंच ब्रेक, और मेरी वजह से पीयूष जो है ना बेचारा भूखा मरते मरते रह गया, क्योंकि मैं कह रहा था इसको चल थोड़ा आगे चलते हैं, चल थोड़ा आगे चलते हैं, और बीच में एक्चुअली हुआ है कि निम्बाहेड़ा से जो हमने लेफ्ट लिया तो उसके बाद पैच इतना ख़राब था ना कि वहाँ प्रॉपर कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह थे नहीं। तो जैसे ही हम पहुँचे वापस से फोर लेन पे, तो हमने सोचा एक बढ़िया सा होटल देखा रुद्राक्ष, और फिर हमने सोचा यहाँ खाना खाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ भी हमारी सामने ही पार्क हैं। वो आप देखोगे वहाँ हमारी बाइक्स पार्क हैं, तो नज़रों के सामने भी है, और खाना भी यहाँ का अच्छा है, खुशबू तो आ ही रही है अच्छी। तो फ़िलहाल खाते हैं, हमने ऑर्डर किया है, ये क्या क्या है भाई? ये है मटर पनीर और दाल फ्राई और रोटी चपाती। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है भाई साहब कि ट्रिप में आपको राइड के बीच में तवा रोटी मिल जाए ना, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो फटाफट खाते हैं। ये है होटल रुद्राक्ष, और पहले तो भाई से मिल लो, क्या नाम है आपका? विकास। तो ये विकास जी हैं, और इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, और एम्बियंस और फूड बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर आप यहाँ से जा रहे हो टूवर्ड्स उदयपुर तो बिल्कुल होटल रुद्राक्ष में रुको, मैं तो अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूँ आप सभी को। और ये देख लो, ये भाई साहब भी मिल जाएंगे आपको, क्या नाम भी आपका? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी भी मिल जाएंगे आपको, और ये हमारे बुद्धा जी भी मिल जाएंगे यहाँ पे प्यारे से। सो रुद्राक्ष को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, और ये प्यारे प्यारे भाई लोग यहीं थे हमारे साथ, यहीं के लोकल बच्चा लोग, और 40 किलोमीटर की दूरी बस रह गई है अब हमारे और उदयपुर के बीच में। सो चलते हैं फिर से एक बार राइड को कंटिन्यू करते हैं, और इनको बाय बाय करते हैं। खाना बहुत अच्छा था, और मावा बाटी उन्होंने हमको फ्री में खिलाई थी। प्यार मोहब्बत में, चलिए। के दोस्तों, सो पहुंच चुके हैं उदयपुर फाइनली। जी हाँ, फाइनली, क्योंकि रूम ढूंढने के चक्कर में हमें लग गए 2 घंटे, यानी कि 5 बजे से 7 बजे तक हम सिर्फ होटल ढूंढ रहे थे। अब होटल के चक्कर ये है कि पहले जो जितने भी हमने होटल्स देखे उनके रूम अच्छे थे, व्यू अच्छा था, पर उनके पास पार्किंग की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि अगर आपको बाइक पार्क करनी है तो 2 किलोमीटर बाहर दूर बाइक पार्क करके आनी पड़ती। और भाई साहब, हम अपनी बाइक से इतना प्यार करते हैं कि बाइक क्यों दूर कहीं और दूर पार्क करें। तो फाइनली हमें मिला है होटल गणपति, जो कि 800 रुपये में पड़ा है, बजट ओयो होटल है, पर भाई साहब 800 रुपये के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें दे रहा है वो। क्या तो 800 रुपये में हमें मिल रहा है ये TV, ये AC, ये शानदार सा बेड, ये पीयूष, मैं तो फ्री हूँ आपके साथ। पीयूष फ्री है ना, वो साथ में हमारे। और इसका टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा है, क्लीन है, प्लस वाईफाई है, लिफ्ट है, गर्म पानी आ रहा है। यार 800 रुपये में क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे? तो बस
अब हमने सोचा है कि अंधेरा हो गया है बाहर, फिलहाल 7:30 बज रहे हैं और अंधेरा हो चुका है, तो अगर कहीं जाएंगे तो इतना कुछ दिखा तो पाएंगे नहीं आपको। फिर भी हमने सोचा कि आसपास की लोकेलिटी थोड़ा नियर अबाउट थोड़ा विजिट करके आते हैं, देख के आते हैं क्या है यहाँ पे पास में, अगर कुछ अच्छा दिखता है हमको तो हम आपको भी दिखाएंगे। थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे रात को, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है जगदीश मंदिर, यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है, और सिटी पैलेस का गेट भी ये आप देख रहे हो पीछे, यहाँ काम चल रहा है, यहाँ से अंदर जाके सिटी पैलेस का गेट भी आता है। ओके सो फिलहाल हम आए हैं लेक पिचोला पर, गणगौर घाट पर, जो कि है सिटी पैलेस का ही एक पार्ट, और यहाँ पे एंट्री फ्री है, यहाँ बिल्कुल आप आ सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा आ रहा है जो लेक पैलेस है उसका, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जो लाइटिंग है इस समय दिख रही है वहाँ पर, उसके तो क्या कहने दोस्तों। पहुंच गए हैं फिर से अपने होटल, और आज हमने आपको दिखाए मंदिर के दर्शन कराए, बहुत ही सुंदर मंदिर था यार, और वो उसका जो छत्र था ना, क्या बोलते हैं, छतरी बोलते ना उसको, गुंबद हाँ, छत्र जो ऊपर था, भाई साहब क्या हाइट पे था यार। और मंदिर आप देखो, पुरानी जो आर्टिफैक्ट्स है ना, पुरानी जो कलाकृतियाँ हैं, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब इतना कंस्ट्रक्शन उनका इतना प्यारा है ना, कि जिस तरह से उनको रखा हुआ, उस ज़माने में तो यार सीमेंट वीमेंट था नहीं, तो उन्होंने वो चावल और उसका लेप आता था उससे ही एक के ऊपर एक रखते थे, पर इतना शानदार, इतना सॉलिड स्ट्रक्चर है ना भाई साहब, कि इतने सालों से चला ही आ रहा है। और उसके बाद फिर हम गए लेक पिचोला, थोड़ी देर घाट पे बैठे, आपको वहाँ का सीनिक व्यू दिया हमने, तो बस आज का यही था यार, थोड़े थक भी गए थे। और दूसरी बात ये, और एक और चीज़ कि मार्केट जो है यहाँ का 8 बजे बंद हो जाता है, हमको पता नहीं था, तो हम तो मस्त घूम रहे थे दोनों भाई, और जब बाहर निकले देखा मार्केट बंद, अरे ये क्या दिक्कत हो गई, ये क्या बात हुई। अपने को नाइट लाइफ वाली आदत है हाँ? कि रात तक चलता रहे मार्केट। और यहाँ पे हमने पूछा भैया आपके यहाँ क्या कोविड की वजह से वो है, बोले नहीं भैया हम तो 10 बजे खोलते हैं 8 बजे बंद कर देते हैं। चलो हमको भी पता चल गया भाई कि 10 बजे खोल के 8 बजे बंद करते हो, तो बस अब खाना वाना ऑर्डर करेंगे स्विगी जोमेटो जिंदाबाद, और खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि यार थक बहुत गए हैं। मेन तो आज का राइड तो बहुत शानदार थी, बहुत शानदार दिन था आज का, बस थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, उदयपुर की अलग अलग जगहों पे आपको घुमाएंगे, बने रहिएगा हमारे चैनल पे हमारे साथ, तब तक के लिए एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद।